हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल इसमें कवर कर दिया है, ये लास्ट बचा हुआ है नेस्टेड इफ। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा वीडियो आगे स्टार्ट होगा। तो नेस्टेड इफ के बारे में क्या है कि एक ऐसा इफ का कंडीशन है जिसके अंदर एक और कंडीशंस रहते हैं। दैट मीन्स इफ एक तो कंडीशन है, उसी इफ के ब्लॉक में एक और कंडीशन को डाल देना, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब ही होता है एक दूसरे से बंधा हुआ। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रोग्राम करके देखते हैं कि ये इफ का जो स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ का कैसे चलता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर प्रोग्राम बनाया है और मैं आपको प्रोग्राम समझा दे रहा हूं। ये मैंने बनाया है क्लास D4। क्लास के अंदर फिर मैंने बनाया है इंस्टेंस वेरिएबल, जिस वेरिएबल का नाम है नम, और उसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन करा है 2। फिर क्लास के अंदर मैंने बनाया है एक मेथड जिसका नाम है डिस्प, और ये हमारा मेथड का ब्लॉक में, मेथड के ब्लॉक में मैंने यहां पर बनाया है पहला इफ जो कि इसके अंदर एक कंडीशन है। फिर ये जो ब्लॉक है हमारा इफ का, इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक यहां इफ लगाया है जिसके अंदर भी एक कंडीशन है। तो ये ब्लॉक ऑफ इफ है। ठीक है, इसका उसके बाद मैंने बनाया है एल्स, ये एल्स का ब्लॉक है। ठीक है, तो ये जो दोनों ब्लॉक ऑफ कोड हैं वो इस इफ के अंदर हैं। ठीक है, ये इफ के अंदर है, मतलब इसका यहां से स्टार्ट होना है और यहां एंड होना, ये एक अलग इफ है। तो इफ के अंदर इफ कंडीशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, हम पहले प्रोग्राम को समझा देते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैंने बनाया है यहां पर मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने मेथड को कॉल किया है। तो जब मेथड हमारा कॉल होना है तो ये हमारा प्रोग्राम, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने नियम बताया था, रूल्स जो बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है, इफ का कंडीशन जो होता है वो चेक होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, नम के अंदर वैल्यू है 2 और कंडीशन लगाया है 2 ग्रेटर देन 10, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट मीन्स 2 10 से बड़ा नहीं है, मतलब 2 बड़ा नहीं है 10 से, तो ये एक कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स हो गया तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने बताया था जब इफ नहीं चलता है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर इफ ये चलता, अगर ट्रू होता, तो प्रोग्राम का कंट्रोल इंटर अंदर करेगा, फिर यहां पर एक कंडीशन है तो उसको चेक करेगा। तो अगर ये कंडीशन या ब्लॉक ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो फिर ये वाला एल्स चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले इसके कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं, जो कि भी फॉल्स है, और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अगर ये फॉल्स होगा तो हमारा एल्स चलेगा नीचे वाला, जो कि इस इफ का पार्ट है, और ये जो एल्स है वो इस इफ का पार्ट है। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम करा के हम देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कंसोल में हमारा आउटपुट आया है, इंटर नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। कह रहा है ये एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है कि नंबर मैंने 10 से बड़ा नहीं डाला है, 10 से बड़ा नहीं डाला है। ठीक है, दैट मींस ये कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो गया था। अगर ये कंडीशन ट्रू है, सपोज मैं यहां नंबर में डाल दिया, सपोज 20, चलिए मैंने डाल दिया 20, तो अब क्या है, 20 जो है बड़ा है 10 से, तो ये हमारा जो प्रोग्राम का जो कंडीशन है यहां पर, अब क्या है, ये ट्रू है। तो जब ट्रू है तो ये प्रोग्राम के कंट्रोल को अंदर दाखिल करेगा, अंदर एंट्री मारेगा। तो अंदर एंट्री मारेगा मतलब इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री मारेगा, तो यहां पर फिर एक और इफ है, ये कंडीशन है, मतलब ये गार्ड की तरह काम कर रहा है। पहले ये चेक कर रहा है, अगर एंट्री मार रहा है तो फिर ये दूसरा चेक कर रहा है। अब यहां कंडीशन चेक होंगे, अगर नंबर इवन नंबर है तो ये ब्लॉक प्रिंट होगा, आपने ऑड इवन पढ़ा होगा मैथ्स में, और अगर नंबर ऑड है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम इंटर करके, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है, नंबर इज इवन,
जो मैंने यहां लिखा हुआ है इस ब्लॉक में, देख सकते हैं नंबर इज इवन। ये कैसे हुआ है? यहां पर कंडीशन चेक हुआ है, नंबर को डिवाइड किया गया है 2 से और उसके जो रिमाइंडर है वो 0 आने चाहिए। यही पहचान है इवन नंबर का कि इसमें कोई शेष नहीं बचे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ यहां पर? इफ वाला ब्लॉक चला। तो यहां तो एंट्री हो गया कि कंडीशन ट्रू था, फिर यहां उसने चेक करा इवन है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 21 कर देंगे। ठीक है, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, इफ वाला स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 10 से बड़ा है, यहां पर हम लिख दे 21, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो प्रोग्राम का कंट्रोल इफ के अंदर आएगा। ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल इफ के अंदर आएगा, तो यहां पहले चेक करेगा क्या ये इवन है या नहीं, मतलब नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आया तो फिर ये एल्स वाला चलेगा। ठीक है, तो हम करके देख लेते एक बार हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है, नंबर इज ऑड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, यहां जो है लिखा नंबर इज ऑड। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया है। तो मैंने बताया था कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहां नहीं आता। ठीक है, वो सीधा चला जाता एल्स के पास। तो ये है नेस्टेड इफ का फंडा, जो बहुत ही आसान और इजी टर्म है और कई सारे कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर आपका नंबर बड़ा है 40 से तो उसमें से हमें जांच पड़ताल करना है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। दैट मीन्स अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो आपको बोनस मिलेगा, अगर ज़्यादा नहीं है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो जितने 50,000 से नीचे वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, तो वो तो पहले ही छट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर सैलरी 50,000 से ऊपर है तो वो पहले ही छट जाएंगे जिनकी नहीं है, और जिनका है तो फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा कि अगर वो पुराने हैं मतलब 10-20 साल से काम कर रहे हैं तो उनको बोनस दिया जाए, अगर नहीं है तो फिर नहीं दिया जाए। तो ये सब कंडीशंस हो सकते हैं, आप भी कंडीशन बना सकते हो अपने सेल्फ लॉजिक से। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया कि नेस्टेड इफ क्या है और कैसे वर्क करता है। अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है तो बेफिक्र हो के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मेरे किसी भी जावा के प्रोग्रामिंग पे कोई डाउट नहीं है, मैं बहुत ही आसान टर्म में और बहुत ही क्लियर टर्म में पढ़ाते चल रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ लोग को। तो फिर भी अगर लगता है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों, 2-4 पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही हूँ, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए माय फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप ज़रूर पूछिए, पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ओके, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।